थोड़ा आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हमारे साथ अब 361 की प्रेसिडेंट अनु जैन जुड़ गई हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में अब क्या करना है। अनु, गुड मॉर्निंग। क्या मार्केट में ये फिर से एक बार माना जाए कि एक शैलो करेक्शन हुई और मार्केट अब रेडी है वापस मूव ऑन करने के लिए, जो कि एक पिछले 2 साल का ट्रेंड रहा है, या इस बार थोड़ी सी शार्पर करेक्शन पॉसिबल है? अनुज, गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से आप देखेंगे कि अगर आप फ्रीवे एक्सप्रेसवे पे अगर 120 पे गाड़ी चला रहे हैं और आपको अगर एक टर्न लेना है तो आपको गाड़ी स्लो करनी पड़ती है। अब आपने जिस तरीके से एक मिड कैप स्मॉल कैप में रैली देखी थी और एक स्विच हो रहा था टुवर्ड्स लार्ज कैप, तो वो एक पॉज जो था ये वो है। एंड मुझे ये नहीं लग रहा है कि मार्केट कोई बड़े करेक्शन के लिए ड्यू है। हाँ, आप एक अगर आप निफ्टी को टेक्निकली देखें तो आप एक 21,300 से 21,500 तक जा सकते हैं और वो एक 4 से 5% का करेक्शन है। अगर आप पहले के बुल मार्केट्स देखें तो 15 से 20% के करेक्शन बुल मार्केट्स में होते हैं। तो ये जो करेक्शन है ये बहुत शैलो है और 300-400 पॉइंट भी होगा तो कुछ अचंभे की बात नहीं होगी। बट जिस तरीके से आज मार्केट होल्ड कर रहा है, खास करके आज एक खुद थर्सडे है और अगला थर्सडे मार्च का फाइनल एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी एक 47,000 के पास है जो बहुत क्रूशियल है, तो ये एक मोमेंटम के बड़े जिसको बोलेंगे ना इम्पोर्टेंट कगार पे खड़ा है। यहाँ से अगर ये निकल गया आज, आई थिंक आज की क्लोज और जो नेक्स्ट थर्सडे की क्लोज है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, गिवन कि अब आपके इलेक्शंस भी शुरू हो रहे हैं, गिवन जो एक्सपेक्टेशन है कि क्लियर मैंडेट मिलेगा। तो मेरे ख्याल से चांसेस की डीपर करेक्शन हो यहाँ से वो स्लाइटली बहुत ही छोटा है। बट हाँ, मार्केट है, वर्ल्ड है, तो आप पूरा वो करते हुए आप एक 21,500-21,300 का एक्सपेक्टेशन की हो सकता है आप आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा, बैंक निफ्टी की आपने बात कर ली, एक बार जरा मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या चल रहा है अनु, इस पर बात करते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा पैसा यहीं बना है और यहाँ पर अब करेक्शन हुई है। निफ्टी भले ही 22,000 के आसपास हो, लोगों की कंप्लेन है कि उनके पोर्टफोलियो तो 20,000 लेवल पे ऑलरेडी पहुंच गए। बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो जो चीज बहुत चली थी वहां पे एक तरीके का पूरा एक फैड हो गया था, एवरीबडी वाज बाइंग इट। आई थिंक अब एक प्रैग्मैटिक बाइंग रिटर्न हो रही है कि हर कुछ नहीं चलेगा बट काफी कुछ चल सकता है। जहां तक कि हम निफ्टी स्मॉल कैप में, हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 को देखते हैं तो वहां पे ये इंडेक्स कल 13,733 पे था, जो हाँ इसने 150 डे का मूविंग एवरेज तोड़ दिया था। जो चार्ट्स इंडिकेट कर रहे हैं कि जब ये लेवल 14,350 के आसपास का पुल बैक देगा वहां पे लाइट हो जाना चाहिए, बिकॉज एक हम डेफिनेट ट्रेंड टुवर्ड्स लार्ज कैप देख रहे हैं। इट्स नॉट टू से कि स्मॉल कैप नहीं चलेगा, बट मेरे ख्याल से वो जो इंटेंसिटी ऑफ आउट परफॉर्मेंस थी वो चेंज हो रही है। तो मेरे ख्याल से देयर विल बी अ लॉट ऑफ सेलिंग जो लोग अटके हुए हैं, तो 14,350 जो हमारा लेवल दिखा रहा है फॉर द निफ्टी 250, मेरे ख्याल से उसके आसपास लोगों को एग्जिट मिलेगा। हो सकता है वो 2-3 दिन में भी आ जाए, बट अब लोग ऊपर के लेवल में थोड़ा सा प्रैग्मैटिक होके प्रॉफिट बुकिंग करेंगे जो पहले नहीं हो रही थी। अच्छा अनु जी, एक इंडेक्स जिसने अभी तक हायर लेवल्स को मोर और लेस सस्टेन किया है, हमने आईटी में कोलैप्स देखा, हमने बैंक निफ्टी में कोलैप्स देखा, हमने फार्मा में कोलैप्स देखा, बट लुक एट मेटल्स, थोड़ी 3-5% की वॉलिटी हायर लेवल्स पे है बट रोज़ बरोज यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव आता है। आज भी डे हाई पे मेटल इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट क्लोज टू आई थिंक 8,000 ट्रेजेक्ट्री। आपका मेटल्स पे क्या सेंस है मैम इस वक्त? तो वी आर पॉजिटिव, नॉट दैट हमारे पोर्टफोलियोज में नहीं है, बट ये इंडेक्स स्पेशली फॉर ट्रेडर्स एंड स्पेशली जो लोग 1 साल के व्यू से अगर पोजिशन बना रहे हैं, इट इज लुकिंग रियली गुड। बेसिकली अगर आप देखें तो ये एक राइजिंग ट्रेंड लाइन में है और राइजिंग ट्रेंड लाइन में जब मार्केट करेक्ट करता है यूजली ये शार्पली करेक्ट करता है, हाई बीटा सेक्टर है, बट जिस तरीके से इसने ये डाउन टर्न को हैंडल किया है, इंडेक्स इटसेल्फ इज शोइंग कि ये करीब आपको 1 साल में कम से कम 15-17% अप दे सकता है। तो ये आपका जो अभी लेवल है
फिबोनाची में जो दिखा रहा है ये आपका 9250, और अगर वो क्रॉस किया तो 9850 भी दिखा सकता है। अब उसको प्ले करने के लिए हमारे पास तो सेफेस्ट टारगेट टाटा स्टील ही लग रहा है। मैंने सुन रही थी आज आपका चैनल कि आप बोल रहे थे कि टाटा स्टील, मेरे ख्याल से वो जिस तरीके से हैंडल किया एंड लोगों ने उस पर शॉर्ट कॉल्स दी एंड उसने शॉर्ट कॉल के बावजूद जिस तरीके से रिबाउंड किया है, मेरे ख्याल से ये आपको 134 137 पे सपोर्ट लेते हुए एक पहली बार तो आपको 165 170 दिखा देगा। तो आई थिंक द व्यू इज पॉजिटिव। उसके लिए अगर आप फंडामेंटली भी देखें ना, तो जिस तरीके से एक चाइना की वजह से पूरा एक सेक्टर डाउन टर्न पे था और अब एक बॉटम वहां बन रहा है, प्लस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेंड है उस पे चाहे वो रोड हो चाहे वो केपेक्स हो, तो ये दोनों चीजें मिला के आपको एक जो सेटअप मिल रहा है दैट कुड बी पॉजिटिव फॉर दिस सेक्टर। एंड आई थिंक चाहे वो टाटा स्टील हो सेल हो, आई वुड बी मोर ऑन द स्टील साइड ऑफ इट बिफोर अपार्ट फ्रॉम द एल्यूमिनियम एंड द नॉन स्टील मेटल्स। बैंकों में मैम इस वक्त प्लेसमेंट कैसी लग रही है आपको, क्योंकि SBI ऑलमोस्ट एट ऑल टाइम हाई और PSU बैंकिंग बास्केट में और ICICI बैंक इधर ऑल टाइम हाई पे, बट HDFC बैंक ने, कोटक महिंद्रा बैंक ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया था, ऑलमोस्ट इंडसइंड बैंक कल अपने 200 डे एक्सपेंशन में उसको छू के आया। अभी प्राइस वाइज और अगले 3 महीने के 4 महीने के प्रोस्पेक्टिव से सुटेबल क्या है चेज करने के लिए? मैं थोड़ा शॉर्ट टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात कर रहा हूँ मैम, और मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से क्या सुटेबल है इस वक्त? तो शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से तो अगर आप देखेंगे तो कल जो एक फेड का मीट था जिसपे एक एक्सपेक्टेशन थे और मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी उसके लिए रुका हुआ था, अब जिस तरीके से वहां से जो एक रुझान आया है उसके ऊपर एक रिलीज फैक्टर आया है। SBI में अगर आप देखेंगे न्यूज नेगेटिव थी, इट वॉज अ लीडर फॉर द लास्ट 3 वीक्स, बट जिस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन दिया था फॉर द इलेक्शन बॉन्ड्स, उसके बाद वो 780-85 जाके इट करेक्टेड अबाउट 730-735। नाउ वो अगर मोमेंटम वापस पकड़ ले तो अगर आप देखेंगे दैट वाज अ लीड इन इट, एंड उसके साथ HDFC ने गिनना बंद कर दिया था, 1370 से 1450 आ गया है। अगर आप ICICI को देखें तो दैट इज बीन एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन दैट 1060 टू 1080-90 जोन। तो ये तीन अगर आप देखें, और कोटक ने बेसिकली एक बेस 1750 पे बना के अब वो ऊपर की तरफ चल रहा है, तो ये चारों पांचों जो एक मेन बैंक निफ्टी के पिलर्स हैं वो अब सब स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो शॉर्ट टर्म व्यू था वो 47,000 का था। जैसे कि आप अगर ऑप्शंस भी देखें तो 47,600, 47,000, 47,000 पे दी ऑप्शन गाइज वर काइंड ऑफ स्टॉपिंग इट। अब वो वहां से क्रॉस करेगा तो पहला टारगेट 48,000 से 48,500 है, सो दिस इज द शॉर्ट टर्म टारगेट। इफ इट क्रॉसेस दैट देन आफ्टर हैविंग मेड क्रॉस द 52-वीक हाई दैट ये पिछली बार बनाया है, देन इट गेट्स इनटू अ जोन कि ये 52,000 तक भी निकल सकता है। एंड वो भले ही उसका ट्रिगर आपका HDFC बैंक हो जो चला नहीं है, जिसका क्वार्टरली रिजल्ट कैसा होगा इस बार का, बिकॉज दे हैव ऑल्सो सीन कि कितना प्रेशर है, क्या रिपोर्ट करते हैं इस क्वार्टर नेक्स्ट क्वार्टर क्या रिपोर्ट करते हैं बेसिकली आपके SBI जैसे बैंक जिसका पिछली बार का रिजल्ट वाजंट टेकन टू वेल, एंड विद द रेट कट कमिंग इन। सबने ये पूरा लिक्विडिटी का इशू उठाया हुआ है, सबने निम्स थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होंगे बोला हुआ है, सो वो सब इन द प्राइस है। तो मेरे ख्याल से यस, अगर आप बैंक निफ्टी टू निफ्टी भी देखेंगे तो जिस तरीके से एक अंडर परफॉर्मेंस था फ्रॉम 2020 टू नाउ, वो अब अगर आप बैंक निफ्टी टू निफ्टी रेशियो देखेंगे वो 2 पे सपोर्ट लेके वो चैनल चल रहा है। तो मेरे ख्याल से पिछले 1-1.5 महीने में आपने करीब 3% का आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी का निफ्टी से देखा है, ये बिल्डअप हो सकता है और इसमें आपको द मेन बैंक्स विल लीड इट, सो यू कुड बी इन अ सेगमेंट लाइक बैंक निफ्टी इटसेल्फ बाइंग द बैंक बीज, और यू कैन बाय एनी ऑफ दीज इंडिविजुअल बैंक्स फॉर द शॉर्ट टर्म एंड फॉर द लॉन्ग टर्म। आई थिंक दैट इज अ क्लियर व्यू। ओके, चलिए अब एक काम करें, कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। ऑटोज में शानदार मोमेंटम है इस समय अनु, 2-3 स्टॉक्स जो मेरे रेडार पर रहे हैं, मारुति, आयशर मोटर्स, TVS मोटर, यहाँ पर कोई पिक्स हैं क्या आपके? सो वी लाइक आयशर एट दिस टाइम,
वी लव मारुति ऑल्सो, इट्स बीन अ कॉन्स्टेंट होल्ड इन आवर पोर्टफोलियोज, बट लगभग 3670 पे आयशर का सपोर्ट है. हमारे ख्याल से ये आपको लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, आई वुडन्ट से लॉन्ग टर्म में आपको करीब 4600 रुपए तक का मूव दे सकता है. सो आई थिंक दैट इज वेयर वी फील दैट द चार्ट हैज स्ट्रेंथ, हम उस पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे. बट हाँ, मेरे ख्याल से मारुति ऑल्सो विल बी अ वेरी गुड होल्ड एट दिस प्राइस. उसका पहला टारगेट 12,000 था, वो निकल चुका है, तो नाउ मूविंग टुवर्ड्स अ लॉन्ग टर्म गोल टुवर्ड्स 14,000 वुड बी वेयर वी वुड लुक एट, बट दैट्स अ लॉन्ग टर्म टारगेट, नॉट अ शॉर्ट टर्म टारगेट. के कोई और स्टॉक जहां पर पैटर्न्स अच्छे बन रहे हैं, कोई डार्क हॉर्स टाइप का? सो हमें Zomato पसंद है और हम Zomato को लाइक करते हैं, एंड आई थिंक क्वार्टरली रिजल्ट्स भी एक्सपेक्टेशन अच्छा होगा. हमने इनफैक्ट अपने आईटी एक्सपोजर को considerably shift कर दिया था टू Zomato, बिकॉज वी फेल्ट कि शायद आईटी अंडर परफॉर्म करेगा. तो आप भले ही Zomato लें या Zomato की होल्डिंग कंपनी नौकरी का भी स्टेक है उसमें, वो भी हमें 5100 पे अच्छा लग रहा था, तो वो आपको करीब एक साल में या 6-8 महीने में आपको 63 के आसपास दिखा सकता है. तो हमें Zomato लगभग 200 रुपए के लिए अच्छा लग रहा है, एंड नौकरी करीबन 6300 के लिए. बट दीज आर नॉट शॉर्ट टर्म पिक्स, दीज आर ट्रेंड्स दैट वी पिक अप फॉर एटलीस्ट 6 मंथ पिक्ड इनटू द स्टॉक. तो हमने Zomato लगभग 130 पे हमारे पोर्टफोलियोज में डाला था, तो वहां से तो काफी चल चुका है, बट वी फील इट्स स्टिल गुड फॉर 200. Zomato में अभी करीब करीब 200 का लक्ष्य और है. मतलब आप अनुजी मानती हैं कि कल जो उन्होंने एक नई सोच जमाने के आगे रखी कि कंप्लीट डिफरेंट फ्लीट वेजिटेरियंस के लिए, वो सही है? कल आपने सुनी थी खबर अनुजी वाली, एक लाल डब्बे में वेजिटेरियन फूड विद डिफरेंट कंप्लीट आइटम फ्लीट. आपको वो न्यूज़ इम्प्रेस करके गई थी कल? जहाँ तक कि इंडिया का कंसेप्ट है और जहाँ वेजिटेरियंस हैं, एनीथिंग लाइक दिस विल ओनली इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस इनटू द होल प्रोसेस. आई एम अ वेजिटेरियन, आई वुड लव दैट दैट वुड हैपन. सो आई थिंक इट्स पॉजिटिव. लेकिन हाँ, मैंने वो न्यूज सुनी नहीं थी, सो आई वुड से दैट आई वाज सरप्राइज्ड बाय इट, बट या इट्स अ पॉजिटिव सरप्राइज. ओके, मैं ऐसी एक छोटा सा व्यू ले रहा था आपका मैम. अच्छा, एक बार पावर स्पेस में आते हैं. अब इसमें पावर में अगर आप देखें, आप पावर फाइनेंस कंपनियां, पावर डिस्ट्रीब्यूशन, पावर जनरेशन, अनुजी सबको इंक्लूड कर लेते हैं. एनटीपीसी को हमने बीते 8 महीने में बिल्कुल एक डिफरेंट स्वरूप में देखा. आपका पावर में व्यू क्या है इस वक्त, और पावर में जो हल्का वुल्का डिप आया PSUs और आई थिंक दूसरी RECPFC में भी, इसको क्या ग्रैब करना चाहिए? पावर में सबसे स्ट्रांग आउटलुक कहाँ पर है आपका इस वक्त? मेरे ख्याल से आप सही बोल रहे हैं. राइट फ्रॉम यू नो वेदर इट इज NTPC, वेदर इट इज टाटा पावर भी बीच में काफी तेजी से चल गया था बिकॉज ऑफ द टाटा पावर इशू, बिकॉज ऑफ द होल टाटा स्टील ग्रुप इशू. मेरे ख्याल से आपको 320 के आसपास NTPC इज आर बेस्ट पिक फॉर द मीडियम टर्म. आई थिंक 350-360, बट जैसे जैसे उसका अभी ग्रीन एनर्जी में जो उनके जो एंट्री होंगे उसमें क्या बेसिस पे होता है, ऑब्वियसली जो कोल पावर है वो उनका मेन बिजनेस है, बट एज दे ट्रांजिट टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी क्या प्रोजेक्ट आते हैं, दोज वुड बी द लॉन्ग टर्म टारगेट्स. तो हम अगर आप टाटा पावर को भी देखेंगे तो पूरे उनके ग्रीन एनर्जी प्रोस्पेक्ट्स उसमें आएंगे. तो टाटा पावर ने काफी साल से कुछ नहीं किया था, देन पिछले 1-1.5 महीने में चला था, एंड फिर यू नो बिकॉज ऑफ द फॉल इन टाटा ग्रुप गिरा है. तो मेरे ख्याल से 380 पे आपका टाटा पावर चल रहा है और करीब 320 पे NTPC चल रहा है. तो आई एम पिकिंग अप द टॉप एंड परफॉर्मर एंड द बॉटम एंड, एंड आई थिंक दे आर डूइंग वेल. RECPFC जहां तक की सवाल है वो मोर NBFC साइड पे है, बट उसमें जो एक स्टेलर एक इंक्रीज आया था उसके बाद जब मिड कैप में करेक्शन आया, तो आई थिंक उसमें मोर डर से लोगों ने एग्जिट मारा है रादर देन व्हाट इज द फंडामेंटल. आई थिंक अगर आप वो होल्ड कर रहे हैं स्टॉक, इट्स अ ग्रेट होल्ड फॉर अनदर ईयर, ईयर एंड अ हाफ. यू शुड री इवेल्युएट इट एवरी 3 मंथ्स, बट मेरे ख्याल से उस सेक्टर में भी बना रहना चाहिए. हमारा व्यू केपेक्स साइकिल पे, पावर पे कहीं पे भी बदला नहीं है. हाँ, ऐसे फॉल्स आएंगे. अगर आपके पास ये स्टॉक्स नहीं है तो अच्छा मौका देंगे जिसमें आप एंट्री ले सकते हैं, वुड स्टे विद.
ओके, और मैम रिलायंस पे जो कि इटसेल्फ एक सेक्टर है और ये 3000 तक की ट्रेजेक्ट्री में लास्ट टाइम गया, क्योंकि इसका काफ़ी सब्सटेंशियल वेटेज है इंडेक्स में, रिलायंस की प्लेसमेंट आपको चार्ट्स पे कैसी लग रही है 2913 की रेंज में? देखिए इसमें एक 3000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है, वहां के आसपास जाके ये 2850 2820 तक जाता है। मेरे ख्याल से आप 3000 पे क्रॉस करेंगे, जैसे मैं आपको बैंक निफ्टी पे वो 47 और 48000 का लेवल बता रही हूँ, सिमिलरली जैसे कि ये तो फुल इंडेक्स आप बोल रहे हो कि इन इटसेल्फ है, तो मेरे ख्याल से ये 3000 क्रॉस करते ही इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 3200-3250 का होगा। संकेत यही है कि ये अलोंग विथ बैंक निफ्टी आपको लीड करेगा, तो इसीलिए जो कन्विक्शन आ रहा है कि आपका लार्ज कैप यहाँ से लीड करेगा वो ये 7-8 बड़े स्टॉक्स आप देख लीजिए। भारती ने वो इंडिकेशन पिछले 2-3 महीने से दिया है और वो फॉलो अप कर रहा है। आपका रिलायंस ने पिछले 1-1.5 महीने से दिया है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना भारती है, लेकिन इट्स बिल्डिंग अप ऑन इट। यू हैव द सेम थिंग विच इज कमिंग इन कोटक, यू हैव द सेम थिंग विच इज कमिंग इन SBI। सो ये जो एक सेटअप बन रहा है ऑफ द लार्ज कैप्स एंड उसमें रिलायंस इज अ बिग पार्ट ऑफ इट, दैट इज इंडिकेटिंग कि निफ्टी आपका भले ही 3-4% करेक्ट कर जाए बट इट्स मूविंग टूवर्ड्स अ 24,000 टूवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर काइंड ऑफ अ टारगेट एंड maybe even 25,000 and that will be led by these 4-5 major, Larsen है उसमें, भारती है, Reliance है, SBI है, and अगर आप सोचिए कि यहाँ पे HDFC Bank, Kotak Bank, ICICI, Axis जुड़ जाए तो that will be जिसको बोलते हैं ना G7, वो G7 हो जाएगा हमारे इंडेक्स का। तो I would be positive, I would with all humility say that there are pullbacks possible, there are corrections possible, but this is the next 1 year and in fact the next 3 years are good places to stay with good stocks. It's not ki jo froth hai wo froth correct hota rahega, but aapke quality portfolio mein agar ye quality stocks hai to wo bahut aapko sambhal ke rakhenge and I would say this is a great time to be into these quality stocks for the next year and a half for sure. अनु बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब सेक्टर्स स्टॉक्स पर बात करने के लिए।